सो गाइस, आज हम चेकआउट कर रहे थे हैवलॉक से, तो ये मॉर्निंग व्यू है हमारे होटल का और अब हम जा रहे हैं नील। तो हमने नील के लिए भी मैक्रूज़ ही ली है। और हैवलॉक से जाते हुए हम काफ़ी सारी मेमोरीज अपने साथ ले जा रहे थे, बिकॉज हैवलॉक हमें अभी तक बहुत अच्छा लगा था आफ्टर पोर्ट ब्लेयर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो वी वर वेरी कंसर्न कि कहीं ऐसा ना हो कि नील में पूरा टाइम बारिश होती रहे और हम कहीं भी कोई भी जगह एक्सप्लोर ना कर पाएँ। तो अब हम पहुँच गए थे नील। यहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था, इवन जो नील के जो इतने भी बीचेस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल थे। तो ये कलर देख के तो हम वैसे ही बहुत मेस्मराइज हो गए थे। और अब हमारी फेरी ऑलमोस्ट नील पहुँच चुकी थी और हम लोगों ने यहाँ से अपनी फेरी डिबोर्ड कर ली थी। नील का जो जेटी है वो काफ़ी सिंपल सी जेटी है, बहुत ज़्यादा फैंसी जेटी नहीं है। बट गाइज, लुक एट द बीच कलर, कितना ब्यूटीफुल है। गाइज, वी जस्ट रीच आर रूम और रूम टूर ज़्यादा कुछ कराने को है नहीं, छोटा सा रूम है बट प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड। मैं आपको थोड़ी देर में बाहर का व्यू दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ प्रॉपर्टी का पूरा आपको एक साथ ही व्यू दिखाऊंगी, बिकॉज बहुत ही अच्छा है। हमारे जस्ट राइट साइड पे बीच है तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द बीच साइड ऑफ आर रिसोर्ट। सो दिस इज़ कोकोनट रिसोर्ट एंड दिस इज़ द बीच साइड एरिया ऑफ दिस रिसोर्ट। यू कैन सी यहाँ से वो जेटी दिखती है जहाँ पे हमने डिबोर्ड किया था हमारा फेरी, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू। सो गाइज, एज यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी थी ये। और इसके साइड पे जो बीच साइड था वो तो बहुत ही अच्छा था और हमारा मन कर रहा था कि हम कहीं ना जाए और बस यहीं बैठे रहे, बट वी हैव टू कैप्चर सम प्लेसेस सो वी हैव टू गो देयर। पर जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉपर्टी का जो है एक टूर ले लिया जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी कैसी है। तो सबसे पहले इस रिसॉर्ट का नाम कोकोनट रिसॉर्ट है, तो अगर आप नील आइलैंड पे जाते हैं तो आप कोकोनट रिसॉर्ट में जा सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया था स्टैंडर्ड कॉटेज, बट आप चाहे तो यहाँ पे डीलक्स कॉटेज भी ले सकते हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा कि सामने इसके बीच है और मैं उसके जस्ट अपोजिट ही अब आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। तो इसके अपोजिट ये लेफ्ट साइड पे सारे कॉटेजेस हैं, यही स्टैंडर्ड कॉटेज हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं। और जस्ट स्टैंडर्ड कॉटेज के सामने रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ेगा। और ये सारे यहाँ पे आपको कोकोनट ट्रीज दिख ही रहे हैं इसके अपोजिट में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने व्यू जो है वो आपको अपोजिट साइड का दिखा दिया है, वहाँ बीच साइड है। एंड दिस वॉज द व्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड। ये सारे स्टैंडर्ड कॉटेज हैं, इनके जो रूम के साइज़ हैं थोड़े से छोटे हैं कंपैरेटिवली, हमें इतना पता नहीं था तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड कॉटेज बुक करा दिया था। बट अगर आप थोड़ी सी लग्जरी चाहते हैं तो आप डिलक्स कॉटेज करवा लें, वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसमें इंक्लूड होता है आपका केटल हो गया, आपका हेयर ड्रायर हो गया, ये सब फैसिलिटी आपको स्टैंडर्ड कॉटेज पे नहीं मिलेगी, ये सब आपको डिलक्स कॉटेज में मिलेगी। और ये जो है ये सारा पूरा रेस्टोरेंट एरिया है जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। सो अब हम बढ़ रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। तो ये रास्ता जाता है रिसेप्शन की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चेयर्स लगी हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, सिंस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ कनेक्टिविटी इन अंडमान। और हमने यहाँ से स्कूटी रेंट पे ले ली थी, यहाँ पे काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स में अपने आप ही स्कूटी आपको मिल जाएगी रेंट पे ईजीली। हाय गाइस, तो अब हम निकल चुके हैं नेचुरल ब्रिज के लिए। हमारा प्लान जो है वो चेंज हो गया है, बिकॉज पहले हमारा प्लान रेस्ट करने का था बट नाउ वी थॉट कि कल बहुत ज़्यादा हो जाए। लक्ष्मणपुर बीच के दो पॉइंट्स हैं, एक है जो नेचुरल ब्रिज है, तो पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा सनसेट पॉइंट है। सो गाइस, अब हम पहुँच गए थे लक्ष्मणपुर बीच और यहाँ पे देखने वाली चीज़ है नेचुरल ब्रिज।
और गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे गाइड भी मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि वो आपको कोरल्स दिखाएंगे, शेल्स दिखाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको गाइड की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप गाइड ले सकते हैं। हमने गाइड नहीं लिया था बिकॉज हमने सोचा कि हम खुद से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्योंकि कोई जगह तो ऐसी एसच थी नहीं वहाँ पे जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली गाइड के साथ ही जाना था। तो यहाँ पे बेसिकली जो नेचुरल ब्रिज है वो फेमस है अपने नेचुरल एक्वेरियम के लिए। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक ब्रिज है जो एक ब्रिज फॉर्म नेचुरली बना है, इसलिए इसको नेचुरल ब्रिज बोला जाता है। तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा है वो एक ब्रिज फॉर्म है और उसके जस्ट सामने बीच है। तो सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगी कि यहाँ पे जितने भी नीचे रॉक्स हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं और जो बीच है उनकी वेव्स उन पे जो पड़ती है जिसकी वजह से ये नेचुरल एक्वेरियम बन जाता है। विच मीन्स जब बीच का पानी इधर वेव्स के साथ आता है तो वो पानी यहीं रह जाता है और उनमें छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं वो भी उनके साथ आ जाती हैं और वो वहाँ पे एक एक्वेरियम बन जाता है। तो वहीं पे वो आपको शेल दिखाते हैं जनरली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वेव्स आ रही हैं और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा ये प्लेस फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑल दो आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज उस दिन करवा चौथ था तो मेरा फास्ट भी था, बट अच्छा हुआ कि हम लोग आ गए बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी जगह हमें लगी। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई एज़ यूजुअल। सो गाइज आप चाहें तो यहाँ पे नील आइलैंड के ही लक्ष्मणपुर बीच है, यहाँ पे आपको जो ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे जो शीशेल से बने होंगे, तो यहाँ पे आपको सीप वाले जो हैं वो इयररिंग्स मिल जाएंगे, नेक पीसेस मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज हमने कवर कर लिया है हमारा लक्ष्मणपुर का नेचुरल ब्रिज, अब हम जा रहे हैं अपने सनसेट पॉइंट पे जो यहाँ से 1 किलोमीटर है। सो गाइस दिस इज़ द सनसेट पॉइंट, ये आपका जो है लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 है और वो बीच नंबर 2 था। सो गाइज यू कैन एन्जॉय द सनसेट हेयर इन लक्ष्मणपुर बीच, आप आराम से डे एंड पे आके यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड सनसेट एन्जॉय कर सकते। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज हमारा डे 2 है नील आइलैंड में और कल हम गए थे लक्ष्मणपुर बीच, जो व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब आज हम जाने वाले हैं भरतपुर बीच में। तो आज जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम पहले स्टैंडर्ड कॉटेज पे रह रहे थे, तो लकीली टुडे वी गॉट अपग्रेड एंड वी मूव टू डीलक्स कॉटेज। एंड सो आई थॉट कि कल तो मैंने उसका रूम टूर नहीं कराया था, छोटा सा ही एक रूम और वॉशरूम था। तो बाहर से मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दिखा रही थी, बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको ये डीलक्स जो कॉटेज है ये भी दिखाती हूँ। ये वो वाले रूम है जो मैं सामने के साइड आपको बताए थे कि शायद हो सकते ज़्यादा स्पेशियस ना हो, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, काफ़ी स्पेशियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टूर। सो गाइज दिस वॉज द कॉटेज दैट आई हैव शोन यू बाहर से। This is the room. तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है ये, हमारा वो लगेज सामने आ चुका है, हमने अभी जस्ट शिफ्ट किया है। ये क्यूट से टेबल है यहाँ पे और इंटीरियर अच्छा है इस रूम का, जो ये डीलक्स कॉटेज है। और ये एक टेबल स्मॉल सी, इसके अंदर ड्रॉर्स हैं तो वो तो एज यूजुअल जो है एमिनिटीज़ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत बड़ा मिरर है जहाँ पे मैं दिख रही हूँ,
और फिर एक अलमीरा है जो यहाँ पे है। जस्ट वॉन्ट टू शो यू दैट दिस इज द रूम। अगर आप डीलक्स कॉटेज जो है बुक करते हैं कोकोन हट्स में, जो भी होटल की डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड दिस इज़ द फ्रंट एरिया, बैक साइड से जो दिखता है और ऐसा बाहर का व्यू दिखता है यहाँ से। तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट सामने, पहले हमारा कॉटेज वो सामने आपको राइट साइड पे जो दिख रहा होगा वो जस्ट रेस्टोरेंट के सामने जो था वो वाला था। अब हम रेस्टोरेंट के एडजेसेंट आ चुके हैं और सामने बीच है। Hi guys, so this is my OOTD for today. So this shrug is from Sarojini, this bralette is from Shein and this skirt is also from Sarojini. Hey guys, so हम जा रहे थे भरतपुर बीच, लेकिन हमारे पीछे देखिए क्या हुआ है। It's raining heavily. Started raining और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ रिसेप्शन पे, तो देखते हैं अभी कितनी देर अपने को वेट करना पड़ता है और उसके बाद हम निकलेंगे। होपफुली बंद हो जाए रेन, बिकॉज सिर्फ हमें भरतपुर बीच जाना है और कहीं नहीं जाना है। रिलैक्स करना है हमें, बिकॉज आप फर्स्ट एनिवर्सरी टू है और बारिश बंद हो जाए तो हम फटाफट भरतपुर बीच चले जाएँ, बिकॉज नील आइलैंड में दो तीन स्पॉट हैं घूमने के और उसके अलावा कुछ स्पॉट हैं जो शायद आप मिस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप हमारे जैसे हैं जो बहुत ज़्यादा सारी एरिया आपको कवर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, मेन एरिया नहीं था, तो हम लोग बस वहीं जाएंगे एंड देन वी कम बैक एंड रिलैक्स। सो गाइस, फाइनली वी आर गोइंग टू भरतपुर बीच। अभी बारिश रुक गई तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए। देखते हैं कैसा है, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक वाटर स्पोर्ट्स हैं, बट हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वाटर स्पोर्ट्स करने को, बिकॉज हमने ऑलरेडी कर रखे हैं वाटर स्पोर्ट्स, बट मे बी वी डोंट नो, कुछ माइंड चेंज हो जाए हमारा। बट हम जा रहे हैं बिकॉज वो भी फेमस पॉइंट है, तो उसको कवर करना ज़रूरी है और आपको दिखाना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे भरतपुर बीच पे। सो भरतपुर बीच इज़ फेमस फॉर देयर एक्टिविटी। सो ये जेटी से काफ़ी क्लोज है और यहाँ पे आप कोई भी वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भरतपुर बीच एक्चुअली में बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है एंड वी लव्ड इट सो मच। गाइस, हम वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंड अभी यहाँ से वॉक करके हमको जाना है। और हाई टाइड्स की वजह से ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये सारा फ्लो कर रहा है, कैसे इट्स वेविंग, इट्स फन। हे गाइस, सो वी आर एंजॉयिंग हियर। ये जेटी में हम आराम से पैर डाल के बैठ चुके हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पहले एक्चुअली हमें लग रहा था कि भरतपुर बीच है, हम स्किप कर सकते हैं, बट हम आ गए, अच्छा हुआ, बिकॉज अच्छा लग रहा है यहाँ पे और आपको आना चाहिए यहाँ पे। और थोड़ा सा व्यू तो आपने देख ही लिया होगा पहले, यहाँ पे बैठ के आप चिल मार सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू वियर योर सनस्क्रीन, बहुत धूप है यहाँ पे तो सनस्क्रीन लगाना भूलना भूले। ऑल तो फिर भी टैन होंगे लेकिन कम टैन होंगे, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। से होके आ गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ग्लास डोर, ग्लास टॉप वाला जो एक्टिविटी है वो करने, बिकॉज बाकी नहीं करेंगे हम, बाकी हमने कर रखा है, सो वी आर स्कीपिंग ऑल दैट। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी जो है जो है ब्लॉक में छोड़ दी है या पोर्ट ब्लेयर में भी आपका प्लान नहीं करने का, तो आप नील में कर सकते हैं। स्कूबा भी होती है यहाँ, स्नॉर्कलिंग होती है और जेट स्की होती है, इसके अलावा या बनाना राइड भी होती है। तो बनाना राइड तो और अच्छा एक चीज़ और है कि बनाना राइड में वो पूरा लेके आते हैं और फिर उसके बाद आपको पलट देते हैं, तो हेयर दे आर सेइंग कि अगर आप नहीं चाहते तो आपको नहीं पलटेंगे। तो अगर आप भी को भी डर लगता है तो आप यहाँ पे वो राइड जो है वो ट्राई कर सकते हैं।
सो अब हम पहुंच गए थे ग्लास टॉप एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ से हमने छोटी सी ये बोर्ड पे हम बैठ गए थे और इसके नीचे एक ग्लास लगा था जहाँ से आपको सारी कॉरल लाइव्स दिखनी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कॉरल्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, ऑल्दो आपको अभी फिशेस नहीं दिख रही हैं, बट धीरे धीरे आपको फिशेस दिखेंगी। जैसे भी ये जो फेरी है वो मिडिल में जाएगी तो आपको फिशेस दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। Now we headed towards our sunrise point, which is सीतापुर beach. Although अभी दिन हो रहा था लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास टाइम काफ़ी बच गया था तो इसलिए हम सनराइज़ पॉइंट पे पहुंच गए। सो गाइज, जैसे कि आपने अभी तक देख ही लिया होगा, हम सीतापुर बीच पहुंच चुके हैं। हमने आपको व्यू भी दिखा दिया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक्चुअली दिन के टाइम पे यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है। मे बी मॉर्निंग में होती होगी, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं पसंद है। टाइम पे बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जो वेव्स आ रही हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा लास्ट डे है नील में और हम कल पोर्टलेयर चल जाएंगे। कल की हमारी फेरी है, अब हम होटल जाके रिलैक्स करेंगे इसके बाद। सो गाइस, वी आर गोइंग फॉर अ डिनर डेट। तो दिस मैन हैज प्लान समथिंग, सो वी आर गोइंग देयर। तो सी यू देयर। सो गाइज, दिस वॉज द सेटअप और बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियो हम ले नहीं पाए बिकॉज सडनली बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमें ये सेटअप भी अंदर लगवाना पड़ा। इट वॉज ओके। सो दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ द सेटअप। सो गाइज, दिस वॉज आर लास्ट डे इन नील। कल हम जा रहे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर। नील का एक ही ब्लॉग आएगा डे वाइज, जो भी है, मतलब दोनों डे मिला के, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था नील में करने को, पर जो भी था वो एक व्लॉग में आपको दिख गया होगा। कल मिलेंगे फिर से पोर्ट ब्लेयर में, तो जो कल का व्लॉग होगा वो भी छोटा सा एक व्लॉग होगा, तो एक लास्ट पार्ट बजा है अंडमान सीरीज़ का, वो मैं डालूँगी। उसके अलावा हम एक सोच रहे हैं कि एक वीडियो बनाने की जहाँ पे हम अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए या किसी को चाहिए कि हाउ टू प्लान अ ट्रिप फॉर अंडमान, तो वो भी मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो। सो गाइज, नाउ वी वर हेडिंग टूवर्ड्स द पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जाते टाइम हमने जो क्रूज़ लिया था वो सी लिंक का क्रूज़ था, तो सी लिंक का क्रूज़ भी काफ़ी अच्छा है अंदर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो काउंटर्स हैं स्नैकिंग के वो बहुत ही पास में ही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी मौसम जो है वो ख़राब हो गया था और अब हम पहुँच गए थे पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। सो गाइज, हम पहुंच गए पोर्ट ब्लेयर, लेकिन हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया है। हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं बिकॉज एक तो बारिश हो रही है जब से हम पहुंचे हैं नींद से यहाँ पे, और फिर हम जब तक पहुंचे सरर जेल के लिए तो टिकट काउंटर क्लोज हो चुका था और वैसे ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद बचता लाइट एंड साउंड शो, वो नहीं होगा बिकॉज बारिश हो गई। तो ये ब्लॉग पूरा सीरीज यही एंड करते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।